डिपो होल्डर यहाँ भ्याना साहब के आवास पर इकट्ठे हुए हैं और इनको राशनिंग की प्रॉब्लम है कि इनके पास राशन कम आता है और कार्ड ज़्यादा बना दिए गए हैं, ऐसा ही है क्या? हाँ, जिससे आपस में लड़ाई भी होती है और डिपो होल्डर्स के साथ फस क्रिएट होती है, तो ऐसी प्रदेश की क्या योजना है और क्या उसके बारे में फीडबैक देने के लिए विधायक महोदय के पास यहाँ डिपो होल्डर्स यूनियन के सभी सदस्य यहाँ पहुँचे हैं। विधायक महोदय से जानेंगे कि आप सबकी रिड्रेस करते हैं और आगे तक, यानी कि इनकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाते हैं, क्या बेसिक इनकी मांग है और क्या समस्या है ज़रा विस्तार से बताएं। और स्वयं ही आपसे राजीव जी, ये अभी मिले हैं मेरे से आकर के, सभी डिपो होल्डर हैं हमारे यहाँ से, शहर के डिपो होल्डर हैं। इन्होंने समस्या बताई है कि जितना राशन की रिक्वायरमेंट है हमारी, मान लो हमें 100 किलो मिलना चाहिए तो हमें 75 किलो मिल रहा है, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से राशन नहीं मिल रहा। तो निश्चित तौर पे अगर 100 आदमियों के लिए राशन आया है और 75 को मिलेगा, 25 तो निराश ही होंगे और उनकी नाराज़गी डिपो होल्डर के प्रति भी होगी, उनकी नाराज़गी शासन और प्रशासन के प्रति भी होगी। ऑब्वियसली तो आज इन्होंने ये बात बताई है, मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक लेके जाऊँगा और निश्चित तौर पर जो जिसका राइट है, जिसका हक है, जितना उसका राशन मिलने का उसको मिलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के शायद संज्ञान में नहीं होगी ये बात, हम संज्ञान में लाने का काम करेंगे और हर आदमी को पूरा राशन दिलवाएंगे। क्या वैसे बताइए, क्या बताओ? ऐसा जी, पिछले महीने हमारे को 8-10% राशन कम मिला था। इस महीने 25-30% राशन कम आ रहा है जी। और डिपो होल्डर हो गया, पार्षद हो गया, विधायक जी हो गए, हम सब परेशान हैं इस बात से जी। हमने आज विधायक जी के सामने बात रखी है तो विधायक जी हमारी बात मुख्यमंत्री जी रखेंगे। कभी गेहूं आता है, कभी आपके पास आटा आता है, कभी तेल नहीं आता। अब गेहूं आ रहा है कंटिन्यू। हाँ जी, अब कम आ रहा है क्या? अब कम आ रहा है जी। राशन कार्ड ज्यादा है, राशन कार्ड ज्यादा है, गेहूं कम आ रहा है जी। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, 4 महीने से कम आ रहा है। चार महीने से पोर्टेबिलिटी की वजह से बाहर यूपी पंजाब के लोग भी हमारे से लेते हैं राशन, यहाँ कम है, यूपी बाहर के लोग भी ले, इस वजह समस्या बहुत गंभीर है जी। गाँव गाँव में डिपो बनाए हुए हैं लेकिन गांव वालों को भी नो कहते हैं कि आधार कार्ड से जोड़ा हुआ शहर के, और वहाँ गांव में पड़ी इन्वेंट्री पड़ी रहती है और शहर के अंदर यहाँ रश करते हैं। ये देखिए, ये तो हमारी सरकार ने, ऐसा भी है, राशन कार्ड आपका कहीं का भी राशन कार्ड हो, आप कहीं भी वन नेशन वन कार्ड हाँ, ये पॉलिसी है, वो तो उसका अधिकार है, इंडिया के किसी डिपो पर भी जाके अपना राशन ले सकता है। सर, आपसे रिक्वेस्ट है, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से ये कहिएगा कि वो इन्वेंट्री शहर के अंदर तो भिजवाए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो इनका ज्ञापन ले लिया मैंने, इनकी डिमांड सुन ली, इनकी रिक्वायरमेंट सुन ली, निश्चित तौर पे इसका सोल्यूशन करेंगे कोई ना कोई। चलो, डिमांड के साथ अगेन हम आपको यानी प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई है उसके लिए बधाई देते हैं। आप भी दे दो बधाई। आपकी मांग अवश्य ऊपर तक जाएगी और क्योंकि अब तो भाजपा चढ़ती कला पे है और आप सब निश्चिंत रहें कि भ्याना साहब आपकी आवाज़ हमारे लोकप्रिय विधायक हमारी आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए हाथ से क्या आवाज़ समस्याओं का समाधान कर